हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 7 to 12 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 ऑफ चैप्टर 3 मैट्राइसिस 12th क्लास में। तो ये जो एक्सरसाइज 3.3 है वो बेस्ड है सब टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पर, जहाँ पर हमने सीखा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो अब हम शुरू करेंगे 7th प्रॉब्लम। यहाँ पे तो ये है 7th प्रॉब्लम। फर्स्ट सब प्रॉब्लम क्या है 7th प्रॉब्लम में, शो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, और सेकंड सब क्वेश्चन है शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो सॉल्यूशन, तो सब प्रॉब्लम 1 में गिवन है मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या शो करना है, टू शो दैट ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो that is to show that what is symmetric matrix, that is the transpose of the matrix is itself. Okay, that is A transpose is equal to A, यह हमें show करना है। तो start करेंगे A transpose find करके। A transpose क्या है, तो बस हमको row और column interchange करने हैं। तो ये जो row है वो बन जाएगा first column, that is -1 -1 5, ठीक है। फिर ये जो सेकंड रो है वो बन जाएगा सेकंड कॉलम, तो -1 2 1, और ये जो थर्ड रो है वो बन जाएगा थर्ड कॉलम, तो 5 1 3। ओके, अब अगर इस मैट्रिक्स को आप देखो तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स ए ही है। आप देख सकते हो सारे जो एंट्रीज है वो इक्वल है। ओके, सो ये जो मैट्रिक्स है दैट इज ए, सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, वी गॉट A transpose is equal to A, so this implies A is a symmetric matrix, ठीक है। So we have solved the first sub question. अब हम solve करेंगे second sub question. Second sub question में फिर से हमें matrix A given है, और यहाँ पर हमें show करना है to show that द मैट्रिक्स ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, फिर से मैट्रिक्स ए गिवन है, तो गिवन तो पहले लिखेंगे हम, गिवन इज मैट्रिक्स ए, सो गिवन इज मैट्रिक्स ए इक्वल टू, व्हाट इज द मैट्रिक्स, तो इट इज 0 1 -1, ओके -1, ओके 0 1 -1, फिर है -1 0 1 और 1 -1 0, ओके -1 0 1 1 -1 0। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज देखेंगे क्या है। तो हमें क्या शो करना है, शो करना है कि ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो दैट इज टू शो दैट व्हाट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। ओके, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या होगा, रो और कॉलम इंटरचेंज होंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो द फर्स्ट रो विल बिकम द फर्स्ट कॉलम 0 1 -1, सेकेंड रो विल बिकम द सेकेंड कॉलम -1 0 1, एंड थर्ड रो विल बिकम द थर्ड कॉलम 1 -1 0। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए। अब अगर हम यहाँ पे -1 को कॉमन ले हर एक एलिमेंट से ऑफ द मैट्रिक्स,
जैसे ये हम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हम स्केलर -1 को पहले तो मल्टीप्लाई और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज़ 1, यू विल गेट हियर। तो ये तो मैट्रिक्स अगर हम -1 मल्टीप्लाई बाय -1 करें तो चेंज नहीं होगा, इक्वलिटी वैसे की वैसी रहेगी। अब ये आपको अब समझ में आ गया है। तो अब -1 को आप क्या करोगे, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे। दिस इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन, दिस यू नो। तो इसी वजह से हम -1 जो है वो बाहर ले सकते हैं हर एक एलिमेंट से यहाँ पे। व्हाट वी गेट इज, लेट अस सी। तो कॉमन हम ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि -1 और -1 को आप मल्टीप्लाई करो, और अगर ये जो -1 है वो आप बाहर रखो। आप देख सकते हो -1 को अगर आप बाहर रखो यहाँ पे, और इस -1 को हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो। तो आपको क्या मिलेगा, 0 1 -1 -1 0 1 और -1 -1 सॉरी +1 ये हो जाएगा और 0 ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमने -1 लिखा है बाहर, और जो दूसरा -1 है उसको हमने हर एक एलिमेंट के लिए मल्टीप्लाई किया है। तो ये एक तरीका है माइनस साइन मल्टीप्लाई करने का इन द मैट्रिक्स। पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ही करेक्ट है पर हम इजी वाला करेंगे। तो हम यहाँ पे -1 को मल्टीप्लाई और फिर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो बस हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे -1 को। तो अगर -1 को हम कॉमन ले तो क्या बचेगा, -1 को हम कॉमन ले रहे हैं हर एक एलिमेंट से, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 ही, ये बन जाएगा 1 क्योंकि -1 हम कॉमन ले रहे हैं इससे। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। फिर यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे +1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। ठीक है, तो ऐसे आप -1 को कॉमन ले सकते हो। फिर यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस, -1 मीन्स माइनस, एंड व्हाट इज दिस मैट्रिक्स, वी विल राइट इट फर्स्ट, 0 1 -1 -1 0 1 1, और यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम -1 कॉमन ले रहे हैं तो ये -1 हो जाएगा, तो -1 और 0, तो ये मैट्रिक्स हमें मिला है। अब दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, व्हाट इज दिस मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज एक्चुअली ए मैट्रिक्स ए, आप देख सकते हो यहाँ पे। सेम एज द मैट्रिक्स ए, फर्स्ट रो इज 0 1 -1, दैट इज द सेम देयर। फिर सेकेंड रो इज -1 0 1 विच इज सेम हियर ऑल्सो, एंड थर्ड रो इज 1 -1 0 विच इज द सेम हियर, 1 -1 0। तो माइनस दिस इज ए, तो मतलब कि ए ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू माइनस ए है। तो व्हाट वी गॉट, वी गॉट ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, देयर फॉर ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रॉब्लम 7 हमने सॉल्व कर दिया है, अब प्रॉब्लम 8 देखेंगे, रीड करते हैं। फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 5 6 7, वेरीफाई दैट सब प्रॉब्लम 1 इज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेकेंड इज ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सॉल्यूशन, सो गिवन इज व्हाट, गिवन इज ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 5 6 7। फर्स्ट सब प्रॉब्लम क्या है, टू वेरीफाई दैट, टू वेरीफाई ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बस हमको यहाँ पे
फाइंड करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज, ए इज दिस 1 5 6 7 एंड प्लस ए ट्रांसपोज इज नथिंग बट द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स ए विच इज, ओके ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, तो प्लस प्लस ट्रांसपोज ऑफ दिस विल बी दिस फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम तो 1 5 एंड दिस सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम तो 6 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 प्लस 1 दैट इज 2, 5 प्लस 6 दैट इज 11, फिर 6 प्लस 5 दैट इज 11 एंड 7 प्लस 7 इज 14। दिस इज ए प्लस ए ट्रांसपोज। हमको प्रूव करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मतलब कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का हमें ट्रांसपोज देखना है, सो दैट शुड बी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, क्योंकि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए मतलब ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पर यहाँ पे हमको शो करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, तो इसीलिए हमको ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देखना है। सो दैट विल बी व्हाट, सो ट्रांसपोज ऑफ दिस फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम। ओके, अब आप देख सकते हो ये जो मैट्रिक्स है वो सेम एज दिस मैट्रिक्स, तो ये बन जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज। सो वी गॉट ए प्लस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो देयर फॉर ए इज ए ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे सेकेंड सब प्रॉब्लम क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज शुड बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वी हैव टू वेरीफाई दिस। तो यहाँ पे सेकेंड सब प्रॉब्लम टू शो दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो ये हम इरेज करते हैं यहाँ पे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज को हमें फाइंड करना है, ए इज व्हाट, ए इज दिस मैट्रिक्स 1 5 6 7 1 5 6 7। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इरेज करेंगे 1 5 6 7 एंड देन माइनस ए ट्रांसपोज, इट इज ए ट्रांसपोज इज ट्रांसपोज ऑफ दिस, तो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम 1 5, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम 6 7। तो दिस इम्प्लाइज ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 माइनस 1 इज 0, 5 माइनस 6 इज -1, 6 माइनस 5 इज 1, 7 माइनस 7 इज 0। ओके, सो दिस इज ए माइनस ए ट्रांसपोज। नाउ वी हैव टू शो दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब कि हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करना है एंड दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ओके, देखते हैं, तो ए माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज विल बी व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, सो दैट इज फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम 0 माइनस 1, फर्स्ट सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम 1 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस वन को कॉमन लेंगे, तो माइनस वन और मैट्रिक्स क्या मिलेगा, 0 से हम माइनस वन कॉमन ले तो 0 ही मिलेगा, 1 से माइनस वन कॉमन ले तो माइनस वन मिलेगा, माइनस वन से माइनस वन कॉमन ले तो 1 मिलेगा,
और ज़ीरो से माइनस वन कॉमन ले तो ज़ीरो मिलेगा. ओके, तो दिस इज इक्वल टू नाउ माइनस, एंड द मैट्रिक्स इज दिस, ज़ीरो माइनस वन वन ज़ीरो, एंड सो वॉट वी गेट माइनस ऑफ, वॉट इज दिस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स क्या है, दिस मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज. ओके, सो वी गेट माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज. सो हमें यहाँ पे क्या मिला है, ए माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए माइनस ए ट्रांसपोज. सो देयर फॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड प्रॉब्लम. सो नाइन्थ प्रॉब्लम वी हैव टू सॉल्व. तो यहाँ पे सिंपल प्रॉब्लम है, ए मैट्रिक्स गिवन है. ओके, हमको फाइंड करना है हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस ए ट्रांसपोज. तो गिवन इज ए इक्वल टू व्हाट इट इज, ज़ीरो ए बी माइनस ए ज़ीरो सी माइनस बी माइनस सी ज़ीरो. ओके, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज. दिस सिंपल, हाफ ब्रैकेट ए इज व्हाट, ज़ीरो ए बी फिर माइनस ए ज़ीरो सी माइनस बी माइनस सी ज़ीरो एंड प्लस ए ट्रांसपोज. सो ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, सो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम. ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ज़ीरो ए बी, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम माइनस ए ज़ीरो सी, थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम माइनस बी माइनस सी ज़ीरो. सो दिस इम्प्लाइज हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ, एंड वॉट इज द मैट्रिक्स वी गेट, ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज ज़ीरो, ए माइनस ए इज ज़ीरो, बी माइनस बी इज ज़ीरो, माइनस ए प्लस ए इज ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज ज़ीरो, सी माइनस सी इज ज़ीरो, माइनस बी प्लस बी इज ज़ीरो, माइनस सी प्लस सी इज ज़ीरो एंड ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज ज़ीरो. तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये स्केलर है हाफ, तो वो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्योंकि हर एक एलिमेंट ज़ीरो है तो यहाँ पे बस हमें मिलेगा ज़ीरो 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 ज़ीरो, क्योंकि हाफ मल्टीप्लाइड बाय हर एक एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज ज़ीरो. एंड सो दिस इज ज़ीरो मैट्रिक्स दैट वी गेट, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज. अब हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज ए माइनस ए ट्रांसपोज. ओके, मल्टीप्लाइड बाय हाफ, दैट इज हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज देखेंगे यहाँ पे. तो उसके लिए बस हमको सेम सिमिलर थिंग करना है, तो हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज दिस विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स व्हाट इज ए, ए इज दिस मैट्रिक्स ज़ीरो ए बी. ओके, फिर है माइनस ए ज़ीरो सी, माइनस ए ज़ीरो सी, फिर क्या है, माइनस बी माइनस सी ज़ीरो. एंड दैट इज माइनस, ओके माइनस ए ट्रांसपोज, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. तो रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम ज़ीरो ए बी, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम माइनस ए ज़ीरो सी एंड थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम माइनस बी माइनस सी ज़ीरो. ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स मैट्रिक्स ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज ज़ीरो, ए माइनस ऑफ माइनस ए दैट इज प्लस ए एंड बी माइनस ऑफ माइनस बी. ओके,
ए माइनस ऑफ माइनस ए विल बी टू ए बिकॉज ए प्लस ए मिलेगा, तो टू ए यहाँ पे टू बी, फिर माइनस ए विल बिकम माइनस टू ए, ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज़ ज़ीरो, सी माइनस ऑफ माइनस सी इज़ टू सी, माइनस बी इज़ माइनस टू बी, माइनस सी इज़ माइनस टू सी, ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज़ ज़ीरो। तो ये हमको मिल गया है सेकंड आंसर। ओके, तो ये हो गया है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 9। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 10। तो दिस इज प्रॉब्लम 10। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले तो अपने थियरम 2 में देखा था ऑफ सब टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, जहाँ पर हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखा था, तो उसमें थियरम 2 क्या कहता था? एनी मैट्रिक्स या एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो दैट इज ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो वेयर दिस हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, एंड दिस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, इन दिस प्रॉब्लम वी हैव टू एक्सप्रेस दिस मैट्राइसिस इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इज द फॉर्मूला। तो फर्स्ट सब प्रॉब्लम लिखेंगे। फर्स्ट सब प्रॉब्लम इज, तो मैट्रिक्स दिया हुआ है हमको, नाम देना है उसको पहले। दिस इज द मैट्रिक्स 3 5 1 -1। तो लेट ए बी इक्वल टू 3 5 1 -1। ओके, फिर से चेक करेंगे 3 5 1 -1। तो फॉर्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ओके, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू हाफ। नाउ वी हैव टू इवेल्युएट दिस। ए इज 3 5 1 -1। व्हाट विल बी ए ट्रांसपोज? तो रो विल बिकम कॉलम्स। तो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम 3 5, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम 1 -1, देन प्लस हाफ टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो 3 5 1 -1 एंड प्लस दिस मैट्रिक्स विल बिकम ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम 3 5, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम 1 -1। So what we get if we evaluate this, A is equal to half matrix 3 plus 3 is 6, 5 plus 1 is 6, 1 plus 5 is 6, minus 1 is minus 2, okay, or plus half, this is 3 plus 3 is 6. 5 + 1 = 6, ओके। और ये तो माइनस है, यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है, यहाँ पे माइनस है। ओके,
ये माइनस है, तो ये अब आंसर्स क्या होंगे, तो थ्री थ्री माइनस थ्री विच इज़ ज़ीरो, फाइव माइनस वन इज़ फोर, ओके, वन माइनस फाइव इज़ माइनस फोर, एंड माइनस वन, माइनस ऑफ माइनस वन, दैट इज़ माइनस वन प्लस वन इज़ ज़ीरो. सो दिस इम्प्लाइज ए इज़ नथिंग बट मैट्रिक्स हाफ मल्टी. अब ये हाफ स्केलर है, तो हाफ जो है वो हर एक एलिमेंट के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय सिक्स दैट इज़ थ्री, हाफ मल्टीप्लाइड बाय सिक्स दैट इज़ थ्री, हाफ मल्टीप्लाइड बाय सिक्स विच इज़ थ्री, हाफ मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू इज़ माइनस वन, ओके, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फिर से हाफ स्केलर है, हर एक एलिमेंट के लिए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा. हाफ मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो इज़ ज़ीरो, हाफ मल्टीप्लाइड बाय फोर इज़ टू, हाफ मल्टीप्लाइड बाय माइनस फोर इज़ माइनस टू, हाफ मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ओके. तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने ए जो है वो एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ए इज़ वॉट, थ्री फाइव वन माइनस वन, सो दैट इज इक्वल टू मैट्राइसिस थ्री 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 माइनस वन प्लस ज़ीरो टू माइनस टू ज़ीरो, ओके, हियर दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो दिस इज व्हाट वी हैव. नाउ हम क्या करेंगे, सेकेंड सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, लेट पहले बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. नाउ वी हैव टू सी दैट वी हैव टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ओके, तो दिस इम्प्लाइज बी इज़ नथिंग बट हाफ टाइम्स ए इज़ सिक्स माइनस टू टू, माइनस टू थ्री माइनस वन, देन टू माइनस वन थ्री, ओके, एंड प्लस हाफ एंड द मैट्रिक्स, ओ प्लस हमको मल्टी प्लस करना है ए ट्रांसपोज को. सो प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो विल बिकम कॉलम, सिक्स माइनस टू टू, दिस रो विल बिकम कॉलम, माइनस टू थ्री माइनस वन, एंड दिस रो विल बिकम थर्ड कॉलम, टू माइनस वन थ्री, ओके, एंड देन वी हैव प्लस हाफ अगेन ए माइनस ए ट्रांसपोज. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिक्स माइनस टू टू, फिर माइनस टू थ्री माइनस वन, टू माइनस वन थ्री, एंड प्लस माइनस मैट्रिक्स दिस ट्रांसपोज, सिक्स माइनस टू टू, माइनस टू थ्री माइनस वन, एंड टू माइनस वन थ्री, दिस इज बी ट्रांसपोज. सो वी गेट दिस मैट्रिक्स, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू, नाउ हाफ यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो सिक्स प्लस सिक्स इज़ ट्वेल्व, माइनस टू इज़ माइनस फोर, टू प्लस टू इज़ फोर, ओके, फिर माइनस टू इज़ माइनस फोर, थ्री प्लस थ्री इज़ सिक्स, माइनस वन इज़ माइनस टू, टू प्लस टू इज़ फोर, माइनस वन इज़ माइनस टू, एंड थ्री प्लस थ्री इज़ सिक्स, ओके, सो दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स. सेकेंड मैट्रिक्स इज हाफ मल्टीप्लाइड बाय, तो सिक्स माइनस सिक्स दैट इज़ ज़ीरो, फिर माइनस टू, माइनस ऑफ माइनस टू इज़ ज़ीरो, टू माइनस टू इज़ ज़ीरो, ओके, माइनस टू, माइनस ऑफ माइनस टू दैट इज़ माइनस टू प्लस टू इज़ ज़ीरो, थ्री माइनस थ्री इज़ ज़ीरो, माइनस वन, माइनस ऑफ माइनस वन इज़ ज़ीरो, टू माइनस टू इज़ ज़ीरो, माइनस वन ऑफ माइनस ऑफ माइनस वन, माइनस ऑफ माइनस
वन इज ज़ीरो, थ्री माइनस थ्री इज ज़ीरो, ओके। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू हाफ, ओके। एंड ओ दिस हाफ वी कैन मल्टीप्लाई इनसाइड, दिस इज अ स्केलर, ठीक है। तो हाफ हमने मल्टीप्लाई करना होगा अंदर मैट्रिक्स में, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई 12 विल बिकम 6, हाफ मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4 विल बिकम माइनस 2, हाफ मल्टीप्लाइड बाई 4 विल बिकम 2, हाफ मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4 विल बी माइनस 2, हाफ मल्टीप्लाइड बाई 6 विल बी 3, हाफ मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 विल बी माइनस 1, हाफ मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 2, हाफ मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 इज माइनस 1, हाफ मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 3, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सारे एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में ज़ीरो है, तो स्केलर अगर हर एक एलिमेंट के लिए मल्टीप्लाई हो जाए इस मैट्रिक्स में, तो हमें मिलेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ओके। तो मैट्रिक्स बी क्या है आप देखते हैं, मैट्रिक्स बी इज दिस 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1, एंड देन द लास्ट रो इज 2 माइनस 1 3, ओके। एंड दैट विल बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 3, ओके। सो दिस इज प्लस एंड द सेकेंड मैट्रिक्स इज 0 0 0 0 0 0 0 0. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैट्रिक्स है दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स बाय द थ्योरम 2, ओके। वैसे ही हमने कैलकुलेट किया है एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैट्रिक्स बी है दैट इज इक्वल टू दिस, और ये बस हमने फॉर्मेलिटी के लिए लिखा है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स बी है जो गिवन था वो पहले से ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, ओके। पहले से ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, आप देख सकते हो 6 माइनस 2 2, ये अगर रो में चेंज हो जाए तो ये रो मिलेगा, ये कॉलम मिलेगा सॉरी, फिर माइनस 2 3 माइनस 1 कॉलम में बदल जाए तो ये कॉलम मिलेगा, 2 माइनस 1 3 कॉलम में बदल जाए तो ये कॉलम मिलेगा, ओके। तो दिस गिवन मैट्रिक्स वॉज फर्स्ट ओनली सिमेट्रिक, तो इसीलिए हमको फिर से वही मैट्रिक्स मिला है, प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिला है इन टर्म्स ऑफ जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। आप देख सकते हो कि जीरो मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिकॉज जीरो मैट्रिक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ जीरो मैट्रिक्स, इसीलिए ऐसे हमें मिला है। नाउ दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम 2, अब हम सॉल्व करेंगे सब प्रॉब्लम 3, ओके। तो लेट सी बी इक्वल टू, तो अब सी मैट्रिक्स को हमें लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है सी को इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सी को हम लिख सकते हैं हाफ टाइम्स सी प्लस सी ट्रांसपोज प्लस हाफ टाइम्स सी माइनस सी ट्रांसपोज, ओके। सो दैट विल बी व्हाट, नाउ दिस इज दिस इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू हाफ, सी इज 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2 एंड प्लस सी ट्रांसपोज इज रो विल चेंज टू कॉलम 3 3 माइनस 1 दिस विल चेंज टू कॉलम माइनस 2 माइनस 2 1 इट दिस विल चेंज टू कॉलम माइनस 4 माइनस 5 2। सो दैट इज द फर्स्ट टर्म। अब हम लिखेंगे हाफ सी माइनस सी ट्रांसपोज, तो प्लस सी दैट इज 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2 और माइनस
थ्री माइनस टू माइनस फोर, थ्री माइनस टू माइनस फाइव, माइनस वन वन टू, ओके। सो व्हाट विल बी दिस, जस्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई, सिंप्लाइज सी इज इक्वल टू हाफ एंड मैट्रिक्स विल बी थ्री प्लस थ्री इज सिक्स, थ्री माइनस टू इज वन, माइनस वन माइनस फोर इज माइनस फाइव, माइनस टू प्लस थ्री इज वन, माइनस टू इज माइनस फोर, वन माइनस फाइव इज माइनस फोर, माइनस फोर माइनस वन इज माइनस फाइव, माइनस फाइव प्लस वन इज सिक्स, सॉरी नॉट सिक्स, माइनस फोर, ओके, और टू प्लस टू इज फोर, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा, और फिर माइनस सॉरी प्लस हाफ, एंड देन व्हाट विल बी द मैट्रिक्स, सो दिस इज थ्री प्लस थ्री इज सिक्स, थ्री माइनस ऑफ माइनस टू इज फाइव, माइनस वन प्लस फोर इज थ्री, ओ थ्री माइनस थ्री इज ज़ीरो, थ्री माइनस थ्री इज ज़ीरो, थ्री माइनस ऑफ माइनस टू इज फाइव, माइनस वन ऑफ माइनस फोर इट इज माइनस वन प्लस फोर इज थ्री, ओके। देन व्हाट माइनस टू माइनस थ्री दैट इज माइनस फाइव, माइनस टू माइनस ऑफ माइनस टू दैट इज ज़ीरो, वन माइनस ऑफ माइनस फाइव दैट इज वन प्लस फाइव इज सिक्स, ओके। माइनस फोर माइनस ऑफ माइनस वन इज माइनस थ्री, माइनस फाइव माइनस वन इज माइनस सिक्स, एंड टू माइनस टू इज ज़ीरो, ओके। तो सी अब हम कैसे लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू दिस हाफ इज अ स्केलर विच विल गेट मल्टीप्लाई टू ईच एलिमेंट इन द मैट्रिक्स, तो थ्री हाफ माइनस फाइव बाई टू हाफ माइनस टू माइनस टू, ओके, फिर माइनस फाइव बाई टू, फिर माइनस टू, और हाफ मल्टीप्लाइड बाई फोर इज टू, ऐसे, ओके। सो दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्लस दिस क्यू सिमेट्रिक विल बी व्हाट, दिस हाफ इज अ स्केलर विच विल गेट मल्टीप्लाइड टू ईच एलिमेंट, तो ज़ीरो, फिर फाइव बाई टू, ओके, फाइव बाई टू, थ्री बाई टू, फिर माइनस फाइव बाई टू, ज़ीरो, हाफ मल्टीप्लाइड बाई सिक्स इज थ्री, हाफ मल्टीप्लाइड बाई माइनस थ्री, माइनस थ्री बाई टू, हाफ मल्टीप्लाइड बाई माइनस सिक्स इज माइनस थ्री, हाफ मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो इज ज़ीरो, ओके। तो आप देख सकते हो सी कैन बी रिटन एज दिस टू मैट्राइसिस सम, तो सी इज वॉट, सी इज थ्री माइनस वन, सॉरी थ्री थ्री माइनस वन, थ्री थ्री माइनस वन, माइनस टू वन, ओके, और लास्ट रो देखते हैं क्या है, माइनस फोर माइनस फाइव टू, माइनस फोर माइनस फाइव टू, एंड दैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिस थ्री हाफ माइनस फाइव बाई टू हाफ माइनस टू माइनस टू माइनस फाइव बाई टू माइनस टू टू, ओके, और प्लस मैट्रिक्स यहाँ पे आप देख सकते हो ज़ीरो फाइव बाई टू थ्री बाई टू, ओके, फिर माइनस फाइव बाई टू ज़ीरो थ्री, और माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री ज़ीरो, सो दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो ये हो गया है सॉल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम थ्री ऑफ प्रॉब्लम टेन। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉब्लम फोर, सो प्रॉब्लम फोर इज लेट डी बी इक्वल टू, तो मैट्रिक्स जो गिवन है दैट इज टू बाई टू मैट्रिक्स इज गिवन, वन फाइव माइनस वन टू
फिर हमको क्या देखना है यहाँ पे, एक्सप्रेस करना है हाफ डी प्लस डी ट्रांसपोज प्लस हाफ डी माइनस डी ट्रांसपोज में। ओके, तो डी इज इक्वल टू दिस, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज क्यू सिमेट्रिक। सो हाफ डी इज व्हाट, 1 5 माइनस 1 2, फिर प्लस ट्रांसपोज ऑफ दिस विल बी, रो विल बिकम कॉलम 1 5, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम माइनस 1 2। ओके, फिर प्लस हाफ टाइम्स 1 5 माइनस 1 2 एंड माइनस 1 माइनस 1 5 2। ओके, एंड सो मैट्रिक्स डी विल बी इक्वल टू हाफ मैट्रिक्स 1 प्लस 1 इज 2, 5 माइनस 1 इज 4, फिर -1 प्लस 5 इज 4, 2 प्लस 2 इज 4। ओके, प्लस हाफ 1 माइनस 1 इज 0, 5 माइनस ऑफ -1 इज 6, -1 माइनस 5 इज -6 एंड 2 माइनस 2 इज 0। ओके, अब हम मैट्रिक्स डी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। डी इज इक्वल टू, ये हाफ स्केलर है, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई हो जाएगा इन द मैट्रिक्स। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 1, हाफ मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 2, हाफ मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 2, हाफ मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 2। प्लस ये स्केलर है हाफ, तो हर एक एलिमेंट के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा इन द मैट्रिक्स। तो 0, हाफ मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 3, हाफ मल्टीप्लाइड बाई -6 इज -3, और हाफ मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। डी मैट्रिक्स क्या था, 1 5, ओके, -1 2, 1 5 -1 2 को हमने कैसे एक्सप्रेस किया है, इन सम 1 2 2 2 प्लस 0 3 -3 0। ओके, तो ये मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम 4 ऑफ प्रॉब्लम 10। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 11। ओके, यहाँ पे एमसीक्यू है, चूज द करेक्ट आंसर इन 11 एंड 12। 11th क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्राइसिस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज अ, तो ऑप्शन सिलेक्ट करना है करेक्ट वाला। तो सॉल्यूशन यहाँ पे, ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दिस इज गिवन। सो गिवन इज ए बी आर सिमेट्रिक मैट्राइसिस। ओके, मतलब कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ओके, तो हम इस दोनों इक्वेशन को कहेंगे 1। हमें क्या शो करना है कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए बी माइनस बी ए। ओके, एंड वी हैव टू सी दैट वेदर इट इज़ क्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स, सीमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो क्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स और सीमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमको क्या फाइंड करना है, पहले तो ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स दैट इज ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है। ओके, सो दैट इज इक्वल टू वॉट, अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज यूज करेंगे यहाँ पे। तो क्योंकि दिस इज डिफरेंस ऑफ टू मैट्राइसिस, वी गेट ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जो है वो हर एक मैट्रिक्स के लिए लग जाता है यहाँ पे, हर एक मैट्रिक्स के लिए, मतलब ये एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, ये दूसरा मैट्रिक्स। ओके, तो हमें क्या मिला है, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। नाउ दिस इज इक्वल टू वॉट, अगेन वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ए बी द होल ट्रांसपोज विल बी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए बी इज नथिंग बट
बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बी ए ट्रांसपोज, ओके माइनस बी ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये हमने देखा था इन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अब बाय वन हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम वन ए ट्रांसपोज इज ए, बी ट्रांसपोज इज बी, तो बी ट्रांसपोज इज बी, तो बी यहाँ पे, ए ट्रांसपोज इज ए तो ए, माइनस ए ट्रांसपोज इज ए, बी ट्रांसपोज इज बी, अब दिस इज फ्रॉम वन, ओके। अब दिस इज इक्वल टू, अब हम इस एक्सप्रेशन से माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस बी ए, नहीं माइनस ए बी, ओके माइनस साइन हम कॉमन ले रहे हैं, माइनस बी ए, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इज माइनस ए बी माइनस बी ए, सो दैट इज व्हाट, सो देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ओके ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, दैट इज व्हाट वी गॉट। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओ यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स का ऑप्शन टिक हो गया है, जीरो मैट्रिक्स नहीं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, देयरफॉर ए इज करेक्ट आंसर। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 12, तो दिस इज द प्रॉब्लम 12, 12 इज दिस, इफ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा देन एंड, ओके सेकेंड कंडीशन ऑल्सो इज गिवन, एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा हमको यहाँ से करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है, तो सॉल्यूशन, अब जो गिवन है वो पहले लिखेंगे, गिवन ठीक है, सो व्हाट इज गिवन, गिवन इज ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ओके फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, दिस इज गिवन। नाउ ऑल्सो वन थिंग इज गिवन, एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो दिस वी हैव टू यूज, ए क्या है, ए इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन दिस इज प्लस ए ट्रांसपोज इज जस्ट रो एंड कॉलम विल गेट इंटरचेंज, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम साइन अल्फा कॉस अल्फा, and so this is equal to the identity matrix of which order, of the same order as order A, so that is 2 by 2, तो हमें यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 1 0 0 1, तो ये हम सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वी विल सिंप्लीफाई, तो cos alpha प्लस cos alpha इज 2 cos alpha, फिर माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ओके ओके माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इज 0, फिर साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा दैट इज 0, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज 2 cos alpha, और राइट हैंड साइड है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, हमें अल्फा फाइंड करना है, ओके सो सिंस 2 cos alpha इज 1, वाई, बिकॉज ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, 2 matrices आर इक्वल, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, तो यहाँ से भी हमको मिलेगा cos alpha इक्वल टू 1, यहाँ से भी हमको सेम थिंग मिलेगा
टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू वन, तो दिस इम्प्लाइज कॉस अल्फा इज इक्वल टू हाफ, तो दिस इम्प्लाइज हाफ अल्फा इज वॉट, कॉस अल्फा इज हाफ मतलब अल्फा इज वॉट, अल्फा इज 60 डिग्रीज, और इन टर्म्स ऑफ रेडियंस इफ यू राइट पाई बाई थ्री, ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा. विच ऑप्शन इज करेक्ट लेट अस सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके पाई बाई थ्री. तो देयरफॉर बी इज करेक्ट आंसर, ओके. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 12. तो एक्सरसाइज 3.3 हमने सॉल्व कर दी है पूरी. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.